हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुर्ती के लिए जो कपड़ा लेना था वो मैंने यहाँ पर कटिंग करके और बिछा लिया है। और यहाँ पर ये देखिए, 11 इंच मेरे पास ये कुर्ती के कपड़े की यानी कि चौड़ाई है। तो ये हमने किस तरीके से लेना है कुर्ती कटिंग के लिए, जो हम कपड़ा निकालते हैं, तो जो हमारा हिप साइज होता है, हिप साइज का हमने फोर्थ भाग करना होता है और प्लस उसमें मार्जिन करना होता है, जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं, 1.5 या 2 इंच। और यहाँ पर ये देखिए, दोनों पार्ट मैंने एक साथ बिछा लिए हैं, तो दोनों की हम कटिंग एक साथ ही करेंगे इसमें। और जो फ्रंट पार्ट है उसका नेक यहाँ पर बना हुआ है पहले से ही, ये देखिए इस तरीके से उरे पट्टी लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से रखेंगे फ्रंट नेक को। तो अब देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले कपड़े को इक्वल कर लेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से इंच टेप रख के, या फिर आप स्केल भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइन कर लीजिए, देखिए इस तरह से, ठीक है, ताकि हम इसमें शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे तो ये फिनिशिंग से आएगा। और ये शोल्डर के लिए हम मार्क लगा रहे हैं 6 इंच पर, ठीक है। ये हमारा तीरा हो गया है। और उसके बाद हम लेंगे आर्म होल, आर्म होल के लिए हम लगाएंगे 7 इंच पर, 7 इंच हमने आर्म होल लेना है। और इस तरीके से जो मार्क हमने किए हैं उनको सीधा कर लेंगे और ये बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अब इसका मेजरमेंट हम देख लेते हैं। तो मेजरमेंट के लिए चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 36 इंच है, और कमर का है हमारा 28 इंच, और हिप साइज है हमारा 37 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे कमर के लिए लगाएंगे तो 36 का फोर्थ भाग हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो 9 इंच आएगा हमारा। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये चेस्ट का मार्क हो गया हमारा। और अब हम आर्म होल की गोलाई यहाँ पर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के लिए हम बिल्कुल 1/2 इंच पर ये मार्क लगाएंगे, फ्रंट की जो गोलाई देंगे। और जो हम ये आर्म होल की गोलाई के लिए जो मार्क करते हैं वो नेक के अकॉर्डिंग हमने करने होते हैं। नेक अगर डीप है तो उसमें हमने जो है गहराई ज़्यादा देनी है, और अगर नेक हमारा डीप में नहीं है तो उसमें गहराई कम देनी है, ठीक है। तो फ्रंट के लिए यहाँ पर 1/2 इंच मैंने कर लिया है, और बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे किया है 1.5 इंच पर, ठीक है। तो ये 1.5 इंच पर किस हिसाब से किया है, क्योंकि जो नेक हमारा बैक नेक जो रहेगा वो डीप रहेगा, तो हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच पर मार्क किया है। और अगर हमारा बैक नेक जो है डीप नहीं है, फिर हम इसमें 2 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो दोनों मार्क किए हैं उनको इस तरीके से सेफ दे देंगे यहाँ से फ्रंट के लिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम ये मिला देंगे और दोनों आर्म होल की हमारी सेफ यहाँ पे डल गई है। अब यहाँ से हम तीरे को डाउन करेंगे यहाँ से 1/2 इंच, ये इस तरह से, और ये देखिए इस तरीके से तिरछा करते हुए हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर की साइड हम इसको कर देंगे, क्योंकि अच्छे से इसमें सेफ नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि आर्म होल की जो सेफ देनी है वो हमने कैसे देनी होती है। अब यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और कमर के लिए हम मार्क लगाएंगे कि कितने पर हमने कमर की फिटिंग करनी है। तो नॉर्मल जो साइज होता है उसमें हम 7 इंच पर करते हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी ये कुर्ती है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो इसलिए हम इसकी जो कमर की फिटिंग है वो यहाँ पर 1/2 इंच कम कर देंगे, यानी कि 6.5 इंच पर हम कमर की सेफ देंगे फिटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6.5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ कमर के लिए, और हिप के लिए हम यहाँ पर 14.5 इंच पर लगाएंगे। नॉर्मल साइज में हम 15 इंच लगाते हैं, ये हमारा हिप साइज हो गया। अब चेस्ट का मार्क हमने कर लिया है, अब हम यहाँ पर करेंगे कमर के लिए। तो कमर के लिए मार्क हमने यहाँ पे लगाया है 7 इंच पर, क्योंकि 28 इंच का फोर्थ भाग यहाँ पे 7 इंच होता है। उसके बाद हिप के लिए लगाएंगे, हिप के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर 9.25 इंच पर, ये भी हमने 37 का फोर्थ भाग कर लिया है, 9.25 इंच पर ये मार्क करेंगे।
तो फिटिंग की मार्किंग यहाँ पे हो गई है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने कमर के लिए मार्क किया है 7 इंच पर, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, क्योंकि हम जो ये कुर्ती बनाएंगे उसमें हम प्लेट भी डालेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है कि जो हम प्लेट में कपड़ा कवर करेंगे इसमें, यानी कि जो प्लेट में कपड़ा हमारा कवर होता है वो हमने यहाँ पर फिटिंग करते समय बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट में हमारा 1 इंच के आसपास कपड़ा कवर होता है, तो टोटल हमारा 2 इंच कपड़ा हो गया। तो यहाँ पे अब हम 1 इंच बढ़ा देंगे, देखिए कमर से, ठीक है, 7 इंच था हमारा कमर का साइज, और अब हमने जो ये मार्क किया है ये 8 इंच पर किया है, तो जो 8 इंच वाला मार्क है उससे हमने ये इसको मिला देना है हिप साइज को, ठीक है। और अब ये कमर वाले को हम यहाँ से चेस्ट के लिए मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जो मार्क करते हैं लोअर चेस्ट के लिए 3 इंच पर मार्क करते हैं नॉर्मल कुर्ती में, लेकिन इसमें हम करेंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, और इस तरीके से इसको फिर मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारी फिटिंग आ जाएगी। अब देखिए शोल्डर पर, यानी कि जो ये आर्म होल है, आर्म होल पे हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करते हैं, तो जिस कुर्ती में हम प्लेट डालते हैं उसमें हमने कम नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे, देखिए आर्म होल पे भी एक प्लेट आएगी, तो उसमें हमारा कपड़ा कवर हो जाता है जो हम इसमें घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्जिन के लिए लगा लेंगे मार्क 1.5 इंच पर, ये हमारा मार्जिन हो गया है, ठीक है। तो मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी कि जिस मेजरमेंट से मैंने कुर्ती की कटिंग करना बताया है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और मैंने जो कुर्ती का कपड़ा है यहाँ पर, ये सीधी साइड ये देखिए मैंने मार्क किए हुए हैं, ये मैंने क्यों किए हैं, क्योंकि इसके उल्टी साइड अगर मैं आपको यहाँ पर समझाती तो मार्क अच्छे से नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको सीधा रखा है। लेकिन वैसे अगर हम कोई भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो उसको हमने उल्टा ही रखना होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो ये स्लिट्स हम बनाएंगे उसके लिए हमारा मार्जिन हो जाएगा ये, तो इस लाइन को भी हम सीधा कर देते हैं। और यहाँ पे नेक की भी कटिंग मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए नेक की जो लेंथ है बैक नेक की, वो हम 6.5 इंच रखेंगे डीपनेस, और इसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी बॉक्स बन जाएगा ये, और यहाँ पे राउंड की शेप दे देंगे हम, ये देखिए। और अब इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो बैक नेक की भी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, ये देखिए। और अब देखिए फ्रेंड्स एक इस नेक में ये दिक्कत हो रही है कि जो हमारा फ्रंट नेक है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो है ब्रॉडनेस जो है वो ज्यादा है, और बैक नेक जो हमने कट किया है उसकी कम है, ठीक है। तो इसको हमने 2.5 इंच पर कट क्यों किया है बैक नेक को, क्योंकि जो फ्रंट है उसकी यहाँ पर हमारी 3 इंच है इसकी ब्रॉडनेस, ठीक है। अगर हम बैक को भी 3 इंच पे ही कटिंग करते तो इसमें जो है तीरे हमारे यहाँ पर गिरते, ठीक है। तो इसलिए हमने बैक नेक को 2.5 इंच पर ही कट किया है, और इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये बिल्कुल ही सही आएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं बैक आर्म होल पे, ये देखिए। तो ये कटिंग हमारी हो गई है कुर्ती की। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है हमने दोनों फ्रंट पार्ट हमने उठाने हैं, दो पीस उठाने हैं हमने यानी कि, और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो ये आर्म होल की भी हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है, कंप्लीट कुर्ती की कटिंग हो गई है हमारी यहाँ पर। स्लीव्स की कटिंग मैं इसमें नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक है, नेक की जो है डीपनेस यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले की 6 इंच है, और बैक की हमने यहाँ पर 6.5 इंच रखी है। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि जो फ्रंट नेक है हमारा ये छोटा है, हमने थोड़ा सा और डीप करना है, तो आप इसको डीप भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, हमने जो रेप पट्टी लगी हुई है इसको हमने निकालना पड़ेगा, और फिर से इसकी कटिंग हम कर पाएंगे और दोबारा से नेक को हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।